सैटरडे शाम को भी, संडे को भी, आज भी बहुत ही इर्रेगुलर मूवमेंट्स चल रही है। कोई पता नहीं ये कौन लोग हैं। ये मैसेज कन्वे करने आए थे कि हमने आपको मैसेज कन्वे करना है। तो बीबी साहिबा ने कहा मैंने आपकी बात ही नहीं सुनी। खान साहब ने कहा मैं बड़ा डर डर के आया कि ऐसा ना हो, क्योंकि इसमें शरीय और कुरानी बातें हैं। अल्लाह ताला ने इसका पहले से ही फैसला फरमाया है कुरान शरीफ में, तो ये मेरिट पे फैसला दे दें और हमें बरी कर दें और पाकिस्तान की आवाम समझे कि हमने डील कर दी है। उन्होंने कहा शुक्र है कि इन्होंने हमें सज़ा सुना दी है। आज का जो ये फ़ैसला है ये इबलीस का फ़ैसला है। खावर मानेका अपना बयान रिकॉर्ड कर रहा था तो खान साहब ने कहा कि आपको पता है अल्लाह ताला सूरत नूर में 6 से 10 आयतों में क्या फ़रमाता है, तो आपका तो ताल्लुक मजहबी घराने से है। तो उसने कहा नहीं मुझे नहीं पता। उस टाइम तो हम बार बार कह रहे थे कुरान शरीफ लाए, लेकिन वो जेल अहकाम कुरान शरीफ उस टाइम नहीं ला रहे थे। वेलकम सियासत.pk से मैं हूं वकार बगा और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की लॉयर हैं मिशाल यूसुफज़ई और बुशरा बीबी की स्पोक्स पर्सन है। मिशाल, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। थैंक यू सो मच जी। इस वक्त मिशाल बताइएगा कि क्या सिचुएशन है। आपका एक ट्वीट था कि बुशरा बीबी इस वक्त बनीगाला में है और वहाँ पर उन्हें कुछ मशकूक लोग मिल रहे हैं। जी जी बिल्कुल। इस टाइम चूँकि हमारी आखिरी मुलाकात सैटरडे को हुई थी, उसके बाद एक्सेस नहीं है, बनीगाला का तमाम स्टाफ निकाल दिया गया है। लेकिन फिर भी हमने चेक करने के लिए अपने हम देख रहे हैं कि कौन जा रहा है कौन आ रहा है। तो सैटरडे शाम को भी, संडे को भी, आज भी बहुत ही इर्रेगुलर मूवमेंट्स चल रही है। लोग जा रहे आ रहे, हमें कोई पता नहीं है कौन लोग हैं। और अगर बनीगाला सब जेल है तो जेल मैनुअल के मुताबिक कोई भी नहीं मिल सकता, तो हम तो नहीं मिल रहे। फिर ये कौन है जो मिल रहा है और क्यों मिल रहा है? क्योंकि बुशरा बीवी साहिबा ने वाजह बताया कि उनकी जान को खतरा है, उनकी जान को शदीद खतरा है। उनने बताया उधर अदालत में भी, उनने सुपरडेंट जेल से भी कहा कि मुझे वापस अडियाला जेल ये शिफ्ट कराया जाए, क्योंकि आपने मुझे धोखे से बनीगाला शिफ्ट कराया था। हमने प्रॉपर दरखास्त भी दी और अभी कल हम प्रॉपर पिटीशन कर रहे हैं। इससे पहले बुशरा बीबी ने यह भी कहा कि उन्हें डील्स के लिए कहा गया और इमरान खान को कहा गया कि ये ऑफर्स दें। मैंने कहा कि इमरान खान से खुद बात कर लें। तो क्या आपको लगता है कि अब फिर उन्हें प्रेशराइज किया जा रहा है या उन्हें मैनिपुलेट करने के लिए बनीगाला रखा गया है और ये जो लोग मिल रहे हैं? जी देखें, ये तो अपने तमाम तरह हथकंडे इस्तेमाल करेंगे। ये पहले भी खान साहब तक मैसेज कन्वे करने के लिए ये बुशरा बीबी साहिबा के पास आए थे, लेकिन बीबी साहिबा ने बहुत सख्ती से इनकार कर दिया। पहले तो ये मैसेज कन्वे करने आए थे कि हमने आपको मैसेज कन्वे करना है। तो बीबी साहिबा ने कहा मैंने आपकी बात ही नहीं सुनी। तो उन्होंने कहा कि आपको अपने खामंद और पाकिस्तान की फिक्र नहीं है। तब उनने उनकी बात सुनी। उन्होंने कहा जब मैंने सुना तो मैंने कहा कि ये आप खुद खान साहब से बात करें। तो अभी ये जो सारे तमाम तरह हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं तो इसीलिए हो रहे हैं कि खान साहब को मोल्ड किया जाए या खान साहब को इस तरीके से तोड़ा जा सके, लेकिन वो तो नहीं टूट रहे। ये आखिरी काट था कि उन्होंने बीबी साहिबा को अरेस्ट किया और इद्दत में निकाह जैसा मैं तो उस पर कमेंट ही नहीं कर सकती कि गैर शरीक गैर कानूनी फैसला दिया। वो सारा इस प्लान का हिस्सा था, ये लंदन प्लान का हिस्सा था। लेकिन बीबी साहिबा ने एक वाजह बात की है कि मैं इमरान खान की कमजोरी नहीं, मैं उसकी ताकत बनूंगी और मैं उसके साथ डट कर खड़ी हूँ उसके मकसद और पाकिस्तान की बका की खातिर। और जो भी डील होगी वो पाकिस्तान के फायदे के बगैर कोई भी ना डील होगी ना हम बात करेंगे। तो ये डील दी क्या की थी, क्या ऑफर्स थी जो बुशरा बीबी को कहा गया था? जी ये तो फिर बाद में डिटेल्स ओपन हो गई थी। उसमें 3 बातें थी कि एक ये था कि जो तमाम तर सीनियर लीडरशिप है वो रिटर्न देकर साइट पे हो जाए, उनके खानदान का कोई भी बंदा आगे आके सियासत कंटिन्यू करे। दूसरा था कि खान साहब 3 साल तक जो है ना वो सियासत से दस्तबरदार हो और बनीगाला में ही रहे। तीसरा था कि जी कोई भी बंदा रिकमेंडी होगा उनका जो प्राइम मिनिस्टर बनेगा और कहा जाएगा कि इसको इमरान खान की हिमायत हासिल है। खान साहब ने कहा कि इसका तो ये मतलब है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस ना हो। ऐसी डील तो नवाज शरीफ और जरदारी ने पहले भी की थी और अभी भी की है। अभी जो ये आया है जिसके सारे केसेस खत्म हुए, खुलेआम घूम रहे जो लाडला बनकर, तो इसने डील की हुई है ना, ये तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जमहूरियत को कभी भी मैं डिरेल नहीं होने दूंगा और ये चाहे जो मर्जी कर ले, ये ना मुझे झुका सकते हैं, ना डरा सकते हैं, ना थोड़ सकते हैं। और मैं जेल में मरना पसंद करूंगा लेकिन मैं किसी भी किस्म की कोई भी डील नहीं करूंगा। अच्छा मिशाल, ये जो फैसला सुनाया गया इद्दत वाले मामले का फैसला था कि इसका उस वक्त आप मौजूद थी कोर्ट रूम में? जी जी मैं दोनों दिन ही मौजूद थी और बड़े जब जैसे केस शुरू हुआ जिस तरीके से प्रोसीडिंग चलना शुरू हुई तो हमें अंदाजा हो गया था कि कल हैट्रिक होगी। तो रात 11 तक एक दिन अदालत लगी, फिर दूसरे दिन भी लगी और फिर अगले दिन फैसला आया। फैसला महफूज था। मैं उसमें कुछ एक दो बातें करना चाहूंगी कि खान साहब ने रोस्टम पे आके जब खावर मानेका अपना बयान रिकॉर्ड कर रहा था तो खान साहब ने कहा कि आपको पता है अल्लाह ताला सूरत नूर में 6 से 10 आया तो मैं क्या फरमाता है, तो आपका तो ताल्लुक मजहबी घराने से है। तो उसने कहा नहीं मुझे नहीं पता। हमने कहा कुरान शरीफ लाओ कि हम इसको पढ़ाएं और तर्जुमा कराएं कि अल्लाह ताला ये फरमाता है कि अगर आप एक पाकबाज औरत पे तोहमत लगाए तो आप पे दुनिया और आखिरत में लानत होगी। तो वो तो जी उस टाइम तो हम बार बार कह रहे थे कुरान शरीफ लाए, कुरान शरीफ लाए, लेकिन वो जेल अहकाम कुरान शरीफ उस टाइम नहीं ला रहे थे। दूसरी बात, जब फैसला आया तो हमें तो पता था कि इस केस में जिस तरीके से केस प्रोसीड हुआ तो हैट्रिक कराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मेरे दिल में एक बात थी, मैंने सोचा इसमें शरई और इस्लामी मसला इन्वॉल्व है तो शायद ये मेरिट पे फैसला करे। मैं बार बार अपने जो कलीग्स एसोसिएट्स हैं उनसे ये बात कर रही थी ना, तो खान साहब ने फिर बाद में ये बात की। खान साहब ने कहा मैं बड़ा डर डर के आया कि ऐसा ना हो क्योंकि इसमें शरई और कुरानी बातें हैं, अल्लाह ताला ने इसका पहले से ही फैसला फरमाया है कुरान शरीफ में, तो ये मेरिट पे फैसला दे दें और हमें बरी कर दे और पाकिस्तान की आवाम समझे कि हमने डील कर दी है। उन्होंने कहा शुक्र है कि इन्होंने हमें सजा सुना दी है। ये उनके एक्सप्रेशंस थे जब उन्होंने फैसला सुनाया। तो ये तो, और बुशरा बीबी साहिबा ने कहा कि अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में वाज़े अहकाम दिए हैं, अपना फैसला सुनाया है कि इद्दत के बारे में औरत का बयान हतमी है। तो आज का जो ये फैसला है ये इबलीस का फैसला है। अब ये गैरत और बेगैरती की जंग है और पाकिस्तान की आवाम ने फैसला करना है कि वो 8 फरवरी को ये फैसला करना है कि वो किस साइड पे खड़ी हुई है। ये सारी सूरत हाल थी वहाँ की और इनका मकसद था कि इनको गंदा किया जाए, लेकिन आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की आवाम का क्या रिएक्शन आया है उस फैसले पे। क्योंकि देखें, एक तो अल्लाह ताला ने वाज़े अहकामात फरमाए हैं कुरान शरीफ में। दूसरा, अगर हम दुनियावी बात करें तो 1992 में सुप्रीम कोर्ट की शरीयत अपलांट ने इस पे एक बड़ा ही डिटेल फैसला दिया है जो रिपोर्टेड है HCMR तो 1273, तो उसमें वाजे बताया है कि औरत ही बताएगी। और अगर जिस तरीके से ये लेके जाना चाहते थे तो इद्दत का दौरानिया 39 डेज भी हो सकता है। लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है और जो इस फैसले का सबसे जो खतरनाक बात है वो ये बात है कि इस फैसले ने पाकिस्तान की औरतों के हुकूक भी सलब कर दिए। अब कोई भी मर्द तलाक के बाद उठ के आ जाएगा और कहेगा कि जी नहीं मैंने तो तलाक दी नहीं है, या मैंने रिटर्न तलाक इसको दी है, इस तारीख को दी है, और औरत शादी नहीं कर सकती। अगर इस केस के फैक्ट्स की मैं बताऊं तो बुशरा बीवी साहिबा को अप्रैल में वर्बली तलाक हो चुकी थी, अप्रैल में। फिर उसके बाद उनने इस्लाम के मुताबिक जो इद्दत का दौरानिया था वो खावर मानेका साहब के घर पे गुजारा और उसके बाद वो उनके घर से निकली। और उसके बाद जब वो होता है ना कि वो आपने उन्होंने डिमांड की, फैमिलीज इन्वॉल्व हुई कि रिटर्न तलाक दे, और फिर उनकी रिटर्न तलाक भिजवाई गई। तो आप मुझे एक बात बताएं, कोई भी मर्द औरली तलाक दे दे तो औरत उसके साथ रह सकती है? कभी भी नहीं रह सकती। ये कोई तमाशा तो नहीं है ना कि ये औरली तलाक देंगे और बाद में मुकर जाएंगे। औरत ही बता सकती है। अगर औरत एक मरतबा कह दे कि इस बंदे ने मुझे तलाक दे दी, बात उधर खत्म हो जाती है। आप उस औरत को फोर्स नहीं कर सकते क्योंकि तलाक बहुत बड़ी चीज है और निकाह बहुत मुकद्दस रिश्ता है। उम्मत मोहम्मदी के दीन में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल तारीख में कभी निकाह और इद्दत को पामाल नहीं किया गया, ना इसके बारे में कोई केस आया, ना आपने सुना है, ना हमने पढ़ा है, ना आपने कभी देखा है। ये एजाज भी जी माशाल्लाह से पाकिस्तान की जुडिशरी ने अपने नाम कराया और उन्होंने इद्दत में निकाह का केस चलाया और निकाह जैसे मुकद्दस रिश्ते की बेहुरमती की। बड़ा अनफॉर्चुनेट है और इस पे पाकिस्तान की तमाम कम्युनिटीज को, उलमाए कराम को, पाकिस्तान की औरतों को, पाकिस्तान के मर्दों को उठना होगा। ये बहुत बड़ी बात है और ये हमारा इस्लामी माशरा है और यहाँ पे सबसे मुकद्दस जो चीज़ है वो निकाह ही है। इन्होंने निकाह को पामाल किया है, निकाह के तकद्दुस को पामाल किया है, मियां बीवी के रिश्ते को पामाल किया है, चाहे सियासी मकासद के लिए, अपने अनाओं की तस्कीन के लिए, लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है और जिस इसके ना बहुत दूर तक वो आफ्टर शॉक्स होंगे और उसकी बहुत दूर तक इफेक्ट्स आएंगे। ये सिर्फ ये नहीं है कि इन्होंने बुशरा इमरान खान को ये फैसला सुनाया है, इन्होंने पाकिस्तान के आबादी के 49.8% जो खवातीन हैं, ये जज कुदरतुल्लाह साहब ने उनको ये फैसला सुनाया। मिशाल, मुझे एक चीज समझाते हैं, बीबी शहीद की तस्वीर जहाजों से फेंक कर एक प्रोपेगेंडा किया गया था और आज इमरान खान की इद्दत के मामले को लेकर, निकाह के मामले को लेकर एक केस किया जा रहा है। दहाइयां गुजर गई हैं, आप समझती हैं कि पाकिस्तान की सियासत में कुछ मैच्योरिटी आनी चाहिए या ये आ सकती है या आज भी हम वहीं खड़े हैं? देखिए, बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान की 75 इयर्स सियासी तारीख औरत के इर्द गिर्द ही घूम रही है। आप अगर चेक करें तो हर दौर में ही औरत को हिट किया गया है, औरत ही को सूली चढ़ाया गया है, औरत ही की बेइज्जती हुई है, औरत ही की बेहुरमती हुई है। आपने बेनजीर बीबी की बात की तो मैं आपको बताती हूँ कि जो ये तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि पूरे पाकिस्तान को पता है, हिस्ट्री को पता है, पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को आज भी पता है कि वो तस्वीरें किसने फेंकी थी। तो ये तो बुलावल साहब की बात है कि उनकी माँ की जिन्होंने तस्वीरें फेंकी थी वो उनके साथ बैठ गया। गैरत का ये तकाजा नहीं था कि उनके साथ बैठता, गैरतमंद लोग ये नहीं करते, उन्होंने स्टैंड ही नहीं लिया। और लेकिन हम स्टैंड लेंगे, हम ये बात करेंगे, हम ये बात आगे पहुंचाएंगे। और मेरी पाकिस्तान के तमाम उलमाए कराम, पाकिस्तान की तमाम माओ बहनों और बेटियों से ये अपील है कि ये सिर्फ बुशरा इमरान खान का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान की हर औरत का मसला है, पाकिस्तान की हर माँ बहन बेटी का मसला है। और ये हम एक प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं। जो ये निकाह है ना, ये बहुत ही मुकद्दस चीज है और ये अगर हमने प्रेसिडेंट सेट करा दिया तो पाकिस्तान की आने वाली नस्लें इसका खमियाजा भुगतेगी। आखिर में मुझे ये बता दें मिशाल कि इस वक्त बुशरा बीबी और इमरान खान का क्या तलाक हो गया है, निकाह खत्म हो गया है या इद्दत में निकाह का मामला है, स्टेटस क्या है इस वक्त? जी, मैं आपको बताऊं, हमें तो ना शॉर्ट ऑर्डर मिला था, बल्कि हमें शॉर्ट ऑर्डर भी नहीं मिला था, हमें उन्होंने वर्बली अनाउंस कर दिया उधर अदालत में कि जी फैसला ये हुआ है। हमें शॉर्ट ऑर्डर नहीं आया था। वो तो जो दो हजरात है, गरीदा फारूकी साहिबा और हसन अयूब साहब और कामरान शाहिद साहब, उन तक पहुंच गया तो मुझे भी वहां से पता चला कि अच्छा शॉर्ट ऑर्डर या ये आया हुआ है। डिटेल फैसले की अटेस्टेड कॉपी जो कानूनी तकाजा है कि जब डिटेल फैसला आता है तो आपने जिसके खिलाफ फैसला सुनाया होता है आपने उसको अटेस्टेड कॉपी देनी होती है, हमें वो अभी तक मिला नहीं है। लेकिन जो मैंने उनके शॉर्ट ऑर्डर से ये पढ़ा तो उनका ये है कि जी नहीं, खान साहब और बुशरा बीवी का अभी भी अज़दवाजी रिश्ता कंटिन्यू है, लेकिन जो निकाह है वो इद्दत में हुआ था। तो सोचे, वो कह रही हैं कि मेरा एक ही निकाह हुआ था और उसके बाद मेरी दुआ हुई थी कि हमने पब्लिक को इन्फॉर्म करना था। ये हर जगह ऐसा होता है कि निकाह हो जाए और उसके बाद एक इवेंट होता है। इवेंट, जी जी, उन्होंने कहा वो इवेंट था, मेरा एक ही निकाह हुआ है और जो मेरी तलाक हुई वो अप्रैल में हुई है। मैं अपने इद्दत का दौरानिया मैंने अपने खावंद के ही घर गुजारा जो इस्लामी तकाजा है। फिर मैं गई, निकली, अपने वालदेन के घर पे गई, फिर मैंने 7 महीनों का अरसा वहाँ पे गुजारा। फिर मैंने इनसे बार बार डिमांड पे वो खानदान के लोग इन्वॉल्व हुए ने रिटर्न तलाक भिजवाई जो डिवोर्स डीड होती है। फिर उसके बाद उन्होंने खान साहब से निकाह किया। लेकिन अजीबो गरीब किस्म की, जो मैं बार बार बात कर रही हूँ ना कि अजीबो गरीब किस्म की, इसकी ना कोई किसी को भी मंतक समझ नहीं आ रही कि सजा सुनाई किस बेस पे। मतलब ना आपको समझ आ रही, मैं लॉयर हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही। अभी तक हमारे पास डिटेल जजमेंट नहीं आई हुई कि इन्होंने क्या किया है इसमें, क्योंकि जो मेजर पेनल्टी है ना, जो मेजर पनिशमेंट है इस केस में 7 साल ही है। इन्होंने हर केस में मेजर पेनल्टी दे दी है कि जितनी सबसे एक्सट्रीम लिमिट थी वो दे दी है। इनका खान साहब ने एक बड़े मजे की बात की, खान साहब ने कहा इन्होंने मुझे तोड़ने की कोशिश की, इन्होंने मेरी पार्टी तोड़ी, फिर इन्होंने मुझे तोड़ने की कोशिश की, मैं इनसे टूट नहीं पाया। अब ये अवाम में मायूसी फैलाकर पाकिस्तान की अवाम को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की कौम एक जिंदा कौम है, उन्होंने ये साबित करना है कि वो 8 फरवरी को निकल कर अपना वोट डालेंगे। क्योंकि 8 फरवरी जिहाद है। आपने फैसला करना है कि आपने इस मुल्क, जो आप ये जो ताकतवर है, जो खुद को ताकतवर समझते हैं और 25 करोड़ आवाम के फैसले करते हैं, तो वो एक ही दिन ये मंजरनामे को पलट देगा और फिर आने वाले दौर में पाकिस्तान की आवाम ही फैसले करेंगे। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आईन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इन्फॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इन्फॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।